तो भैया आज हम स्मार्ट टीवी यहाँ पर 32 इंच और 43 इंच दोनों टीवी के बारे में अच्छे से जानेंगे। और यहाँ पर मेरे एक भाई ने यहाँ पर बहुत सारे कमेंट मारे हैं कि हमको 43 इंच टीवी के बारे में भी रिव्यू दीजिए, आपने 32 इंच का बताया था बट हम 32 इंच का फिर से आपको बताएंगे और 43 इंच का तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो कहीं भी मत जाइएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको लोगो देखने को मिल पा रहा होगा। और यहाँ पर इसके अंदर बताया पिक्सल बूस्ट इंजन है और यहाँ पर क्रिस्टल शार्प डिस्प्ले रहने वाली है और इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी क्वालिटी में है और ये फ्रेमलेस रहने वाला है। और यहाँ पर 43 इंच के अंदर भी सेम ही है, वो भी फ्रेमलेस रहने वाला, बस उसकी जो हाइट है वो 109 सेंटीमीटर है और जो 32 इंच का है वो 80 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका यहाँ पर लोगो भी आपको देखने को मिल पा रहा होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक लाइट होती है, जब आप इसको प्लगिंग करेंगे इस तार को यहाँ पर पावर बॉक्स के साथ, तो यहाँ पर इसकी एक लाइट ब्लिंक होगी और आपको रिमोट का पावर बटन ऑन करने के बाद आपका यहाँ पर टीवी ऑन हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार इसको आपको स्टैंड वगैरह मिलेंगे और 43 इंच के अंदर भी आपको यहाँ पर स्टैंड देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको बटन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर बटन्स वगैरह रहने वाले हैं। और यहाँ पर इसकी बात करें जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहने वाला और इसको हम एक हाथ से ही, ये देखिए हमने यहाँ पर एक हाथ से हमने उठा लिया तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट वेट रहने वाला है। और यहाँ पर आप कहीं भी इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसको यहाँ पर हम पीछे से भी यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाएँगे और इसके पोर्ट भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि HDMI यहाँ पर लैन रहने वाला है, लैन यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर USB, यहाँ पर बात करें USB पोर्ट आपको यहाँ पर दो मिलने आ रहे हैं और 43 के अंदर आपको HDMI पोर्ट दो मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर वीडियो ऑडियो वाले जो फोल्डर हैं वो आपको यहाँ पर तीन इधर मिलने वाले हैं और तीन इधर भी मिलने वाले हैं जो 32 इंच के अंदर। बाकी मैं आपको अच्छे से उसके बारे में बताऊँगा इस वीडियो में और कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिए चैनल के साथ। और यहाँ पर इसके अंदर आप अगर इसको दीवार पर लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर आप स्क्रू वगैरह यहाँ पर आप फिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्टैंड वगैरह आप लगाकर इसको दीवार पर टांग सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले है बहुत अच्छी रहने वाली और इसको यहाँ पर मैंने 3 साल यूज़ करने के बाद यहाँ पर फाइनल रिव्यू के ऊपर ये पहुँचा हूँ कि ये बहुत अच्छा टीवी रहने वाला है। और यहाँ पर आप इस टीवी को ज़रूर परचेस कीजिए, कहीं भी मत जाइएगा। तो भैया इस प्रकार आप यहाँ पर कहीं भी इस टीवी को भी रख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ, देखिए यहाँ पर आपको दीवार पर टांगने की भी ज़रूरत नहीं, आप इस प्रकार टीवी को रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी में रहने वाला है। तो भैया जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने पावर प्लग के साथ प्लग कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लाइट भी ब्लिंक होने वाली है। और यहाँ पर इसका हम रिमोट से यहाँ पर पावर बटन प्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमारे सामने ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑन हो चुके हैं। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार लुक पे शायद रहने वाला है और मैंने पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा अच्छे लुक के साथ ये रहने वाली है टीवी और यहाँ पर ये एंड्रॉयड बेस टीवी होने वाला है। तो भैया जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टीवी चल चुका है और यहाँ पर हमारे पास इस तरह का आपको यहाँ पर ऑप्शन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो सोर्स से ऊपर जाकर आप यहाँ पर जो डिश टीवी वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अच्छे से रिव्यू दे दिया है और बात करते हैं आप 43 इंच के रिव्यू के बारे में, तो चलते हैं उस वीडियो की ओर। तो भैया आपको 32 इंच टीवी के बारे में रिव्यू दे दिया है, अब यहाँ पर बात करेंगे 43 इंच मतलब कि 43 इंच टीवी के इनक्यू वाले फ्रेमलेस टीवी की बात करेंगे, जिसका साइज यहाँ पर 109 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, फुल HD डिस्प्ले के साथ रहने वाला है। और इसके अंदर यहाँ पर बॉक्स के अंदर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, एक 1 LED टीवी मिलेगा, 4 स्क्रू मिलेंगे, रिमोट कंट्रोल मिलेगा, स्टैंड मिलेगा, वॉल माउंटर मिलेगा और उसके स्क्रू भी मिलेंगे। और बात करें इसके अंदर फ्यूचर क्या क्या रहने वाला है, सपोर्टेड ऐप, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिस्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें एंड्रॉइड बेस के ऊपर रहने वाला है, रेजुलेशन आपको फुल HD रहने वाला है। और स्पीकर की बात करें यहां पर 2 स्पीकर दिए जा रहा है और यहां पर 24 लाउड तक जा सकता है और रिफ्रेश रेट 60 Hz तक आप रख सकते हैं इसको, यहां पर इतना ज्यादा रखा गया है। और इन बॉक्स के अंदर तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया मॉडल नेम यहां पर बता रखा है, कलर यहां पर ब्लैक रहने वाला है, डिस्प्ले यहां पर 109 सेंटीमीटर और यहां पर स्क्रीन टाइप LED रहने वाला है, HDMI टेक्नोलॉजी, रेजुलेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 1920 से लेकर 1080 तक आप यहां पर इसका यहां पर रेजुलेशन है, घटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि यहां पर 1920 ही दिया, आप इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और सीरीज की बात करें तो फ्रेमलेस रहना स्टाम स्मार्ट टीवी है, यस। और यहां पर और भी बात करें यहां पर HDMI यहां पर आपको 2 मिलने वाला है, इसके अंदर आपको 2 मिलेंगे HDMI पोर्ट एंड यहां पर USB पोर्ट यहां पर आपको 2 मिलने वाला है, बिल्ट इसके अंदर वाईफाई मिलना है, यहां ब्लूटूथ नहीं मिलने वाला, यहां पर कुछ नहीं मेंशन किया है बट
अगर आप इसको मंगाएंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा और यहाँ पर इसके अंदर ब्लूटूथ तो नहीं मिलेगा। और बात करें लॉन्च 2022 में हुई थी और वॉल माउंटेड इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। यस है, यस है, यस है। और यहाँ पर व्यू एंगल 178 डिग्री तक आप इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब किधर से भी जाए आप इसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर A+ ग्रेड पैनल डॉट फ्री पैनल यूज किया गया है, जी हाँ। और इसके अंदर यहाँ पर पिक्चर इंजन पिक्सल बूस्ट इंजन यहाँ पर पाया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर सपोर्टेड ऐप यहाँ पर H265H264 रियल MPEG-124 AVI MP4, ये चीज़ें आप सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोर्टेड करता है इसके अंदर। ऑडियो फीचर की बात करें दो स्पीकर रहने वाले हैं और यहाँ पर रिंग थंडर ऑडियो स्पीकर रहने वाला है, पावर बाय थंडर ऑडियो यहाँ पर रहने वाला है इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने बता दिया है सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट MP3 MKA WAV। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड म्यूजिक सिनेमा सपोर्ट गेम विड यूजर सेटिंग यहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और नंबर ऑफ कोर यहाँ पर 4 मिलने वाला है। स्टोरेज मेमोरी यहाँ पर 8 GB दी रखी है, आप यहाँ पर 8 GB तक इसके अंदर कुछ भी ऐड यहाँ पर आप डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आपको यहाँ पर सीमित रैम नहीं दी गई, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी यहाँ पर कैपेसिटी भी प्रोवाइड की गई है। सपोर्टेड ऐप यस, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, यूट्यूब भी चलेगा इसके अंदर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी चलेगा यहाँ पर, प्राइम वीडियो भी चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट यहाँ पर यस, एंड्रॉयड बेस रहने वाला है। स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, यदि आप अपने मोबाइल को यहाँ पर इसके पर चलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जी हाँ। आपको यहाँ पर कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वाईफाई सेम कनेक्ट कीजिए और उसका यहाँ पर लुफ्त उठा सकते हैं, जी हाँ। जो आपका मोबाइल के पर है वही आप उसके पर देख पाएंगे। और कंटेंट प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स प्राइम डिस्नी प्लस स्टोर G5 जी सिनेमा यूट्यूब वूट अल्ट्राबाजी अरे सन टेनएक्स हंगामा प्ले सोनी लिव ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा अगर नाम बताने तो बहुत वीडियो लंबा हो गया। लैपटॉप मोबाइल पीसी कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश रहने वाली है इसकी लैंग्वेज और वाईफाई तो रहने वाला है, इंटरनेट जी हाँ, और HDMI रू यहाँ पर 2 रहने वाले है, USB 2 रहने वाले है और यहाँ पर रियल होना है स्मार्ट TV रिमोट। तो यहाँ पर LED ब्लैकलिस्ट बटन यस, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से इसके बारे में। और इसका वेट की बात करें बहुत अच्छा वेट रहने वाला है, लाइट वेट है, 7 kg तक रहने वाला है, 7-8 kg तक पहुँच जाएगा इसका वेट। और यहाँ पर इसके अंदर आप इसकी सर्विस सेंटर भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर भी आपको यहाँ पर विजिटिंग अच्छी हो जाएगी अगर यहाँ पर आपको कोई खराबी नहीं आती। वैसे तो यहाँ पर कोई खराबी नहीं आती, यहाँ पर मैंने 3 साल से इसको यूज़ करता रहा हूँ TV को और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। थैंक फॉर वॉचिंग।